गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बैठे हैं मारुति सुजुकी एक्सेल 6 में और आज हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कैसे यूज़ किया जाता है। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता, जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको अक्सर पता नहीं होता कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कैसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए आज हम बताने वाले हैं कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कैसे मारुति सुजुकी एक्सेल 6 में यूज़ किया जाता है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आपको मारुति सुजुकी के बहुत सारे गाड़ी में ऐसा ही सेम देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो यूज़ है ये आप मारुति सुजुकी के बहुत सारे गाड़ी में कर सकते हैं जिसमें ऐसा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया होता है। तो इसमें आपको वायरलेस वाला नहीं मिलता, इसमें आपको वायर्ड कनेक्ट करके करना पड़ता है। तो इसलिए हम आज ये हमारे पास है USB टाइप सी केबल जो आज हम फ़ोन में कनेक्ट करेंगे और इसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यूज़ किया जाता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ये फ़ोन को कनेक्ट कर चुके हैं इस वायर के थ्रू। और इसमें आपको ये जो वायर लगाने के लिए जगह मिलता है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, तो आप यहाँ पर जो सेटिंग का बटन दिया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये जो फ़ोन का ये है उसको आप क्लिक करेंगे और स्मार्टफोन लिंकेज और फ़ोन आपको यहाँ पर दो ठो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको स्मार्टफोन लिंकेज पर जाकर आपको जो लिंकेज मोड है इसको ऑन कर देना है और आपका फ़ोन जो कनेक्टेड रहेगा वो अगर एप्पल का मतलब आईफोन अगर होगा तो आप एप्पल कारप्ले को चूज करेंगे और वो एंड्रॉयड होगा तो एंड्रॉयड ऑटो को आप चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो को चूज कर लेते हैं जो कि कनेक्ट हो चुका है इस मोबाइल से। और फिर आपको यहाँ पर बैक जाके इसका जो पहले वाला इंटरफेस होता है उस पर आपको ये चले जाना होगा और आप एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है ये कनेक्ट हो चुका है, ये जो गूगल मैप है वो यहाँ पर चलेगा। अगर आप अपने जो मोबाइल में उसमें अगर आप अपना लोकेशन ऑन कर दिए होंगे तो ये जो गूगल मैप है ये चलेगा और आप इसे वॉइस से भी ऑपरेट कर सकते हैं जिसके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसे हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जो मारुति सुजुकी का जो ये जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के लिए ऐप आता है उसमें जो जो भी मतलब दूसरा ऐप वो सपोर्ट करेगा वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि गूगल मैप्स, यूट्यूब म्यूज़िक, फ़ोन और ये व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ सेटिंग, मतलब ये फ़ोन पूरा आप इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो यही कुछ था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।